बैंक चोर का हुआ बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। पहले वीकेंड पर ही दम तोड़ती नजर आई रितेश और विवेक की एक कॉमेडी फिल्म। जी हाँ, शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर रितेश और विवेक की फिल्म बैंक चोर रिलीज हुई है। यूं तो फिल्म को क्रिटिक्स से ठीक ठाक रिव्यूज मिले थे, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म का बुरा हाल हुआ है। फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन सामने आ चुका है। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर सिर्फ 4,70,00,000 रुपए की कमाई की है। इसके अलावा अगर हर दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले दिन यानी शुक्रवार को कमाए 1,40,00,000 रुपए, दूसरे दिन फिल्म ने कमाए 1,66,00,000 रुपए और तीसरे दिन फिल्म का कुल कलेक्शन रहा 1,64,00,000 रुपए। यानी फिल्म बैंक चोर ने अपने पहले वीकेंड पर सिर्फ कमाए 4,70,00,000 रुपए। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का टोटल बजट 15 करोड़ रुपए है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए फिल्म के प्रोडक्शन में लगे और बाकी 5 करोड़ फिल्म के प्रमोशन में। बता दें कि ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट डायरेक्टर बम्पी ने किया है और प्रोड्यूस आशीष पाटिल ने। वाई फिल्म्स के बैनर के तले बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने ठीक ठाक रिव्यूज दिए थे। क्रिटिक्स की माने तो फिल्म के लिए बम्पी ने कमाल का डायरेक्शन किया है, उनकी सोच गजब की है। उन्होंने फिल्म के लिए जबरदस्त डायलॉग को सेलेक्ट किया है जो ऑडियंस को खूब हंसाते हैं। साथ ही बता दें कि फिल्म बैंक चोर को क्रिटिक्स ने 3 स्टार्स दिए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।